आप देख रहे हैं आज तक पर धर्म संसद, लेकिन देश की संसद की एक ऐसी हालत आज देखी गई जिससे वो कविता याद आती है कि उछालेंगे शगुफों को, रचेंगे स्वांग संसद में, सही मुद्दों पर बहस होने नहीं देंगे, हमारी ये जिद है कि सुबह होने नहीं देंगे। कहां तो देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश, धर्म परिवर्तन पर बहस होनी थी। वेंकैया नायडू जब बोले तो सिर्फ और सिर्फ पीड़ा और दर्द संघ के लिए दिखा। उनका कहना था कि मात्र संगठन है, महान संगठन है, मुझे गर्व है, लेकिन उनसे तो ये पूछा जा रहा था कि सरकार क्या कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजेगी अगर अलग अलग जगहों पर एक सोची समझे तरीके से, पहले आगरा में अब अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, तो क्या देश को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, ये मुद्दा था। इस मुद्दे को कम से कम इस बहस में हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए गौरव जी सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि ब्रेक से पहले जितने लोगों की उंगलियां उठ रही थी वो सब आपकी राज्य सरकार पर थी। आज मुलायम सिंह यादव समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे थे, मुद्दा धर्म परिवर्तन का था और वो पहुंच गए ये बताने के लिए कि उनकी बहू किस जाति की है, और फिर ये समझाने के लिए कि कहां पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मजाक है क्या? अंजना जी, आपको मैं इतना बता दूं कि मुलायम सिंह जी ने आज ये जरूर कहा है पार्लियामेंट में कि कौन इन फोर्स्ड कन्वर्जेंस के पीछे है, इसको जानना चाहिए। प्रदेश सरकार पे उंगली उठाने वालों पे मैं अभी आऊंगा, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि मैं दूसरों की कमियां ना गिनाऊं, पहले ये बताऊं कि प्रदेश सरकार कैसे पूरी जिम्मेदारी से तुरंत एफआईआर करती है। कल ही सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं और उसके बाद आगे जो भी उचित कार्रवाई कानून के तहत होगी वो की जाएगी। तीसरी सबसे जरूरी बात, 25 तारीख के लिए जो प्रोग्राम किया जा रहा है जिसपे धर्मांतरण होगा काफी लोगों का, उसमें अभी से सारे वरिष्ठ अधिकारी सूचना ले रहे हैं कि किसी की जबरन धर्मांतरण ना हो, और अगर होगा तो उनके खिलाफ भी एफआईआर करके कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं ये जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये कहते हैं। गौरव जी, सबसे बड़ी बात, गौरव जी अंसार रजा जी एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, एक सेकंड अंसार रजा साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, संक्षिप्त में पूरी करें सर, अन्य लोगों के पास भी जाना। गौरव जी, आपने बहुत सारी डिटेल बता दी कि एफआईआर दर्ज कर दी, उनके डिलीज दिए जा रहे हैं। मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूं कि फिर अगर ये सारी चीजें हैं तो मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में क्या बयान दिया है? ठीक है, आप पार्लियामेंट के बयान पर जवाब। विनोद जी चिल्ला रहे हैं, उनकी बात पहले सुनिए, मेरे हिस्से का समय यहाँ चिल्लाने का शौक नहीं है किसी को। मौलाना अंसार रजा साहब पूछ रहे हैं आपसे, चलिए आप पहले, आपको मैं अभी से याद रहता हूँ, एक सेकंड मैं गौरव जी जल्दी से, मैं अभी 3-4 दिन पहले की बात है, पार्लियामेंट काम नहीं कर रही थी तो सारे चैनल ये बोल रहे थे कि क्यों नहीं कार्य कर रही। अच्छा। मुलायम सिंह जी ने एक बहुत बड़ी बात ये बोली कि जो प्रदेश सरकार है वो तुरंत कार्रवाई करेगी। प्रोफेसर रामगोपाल जी ने भी यही कहा और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा। और अगर उसके बाद वो कहते हैं कि पार्लियामेंट चले, तो मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से समाजवादी पार्टी पे प्रहार हो, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। हमें अपनी प्रदेश सरकार पे भरोसा है, हम कार्रवाई सख्त से सख्त करेंगे, और किसी विशेष धर्म की बात नहीं, सारे धर्मों के लोगों को हम ये आश्वासन संविधान के तहत देते हैं, तो ये कि बात किसी से कहिए ना, धर्मांतरण नहीं होने देंगे, उस पे कार्रवाई होगी। मैं सबके पास जाऊंगी, अब जितने लोग यहां स्टूडियो में नहीं करते जी, गौरव जी, अगर हिंदू का हो तो वो गलत है, अगर दूसरे का हो तो वो सही है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जितने मेहमान यहाँ पर हैं उन सबसे शुरुआत करें। सबसे पहले विनोद बंसल जी आपके पास आते हुए, विनोद बंसल जी 25 को भी ऐसा ही आयोजन है, एक तो जो दिन और तारीख चुनी गई है उससे भी एक संदेश बीएचपी देने की कोशिश अपनी तरफ से, और योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं और वो समझा रहे हैं मीडिया को कि आप बौद्धिक होकर सोचिए इस मुद्दे पर, ये क्या है? देखिए, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, हम 25 पर पूछ रहे हैं, आप नहीं, अलग राज्यों को, वो हमें पता है 25 के बारे में, तो देखिए 25 के बारे में मुझे नहीं कहना, क्योंकि विश्वेंदु परिषद का ये कार्यक्रम नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो है ना जी, जो अगर कोई हो रहा है इस तरह का घर वापसी कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित रूप से कोई स्वेच्छा से जो लोग घर वापसी कर रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। नहीं, स्वेच्छा से 5,000 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, नुमाइश करने की कोशिश होती है ना, ऐसे 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 सम्मेलन। ये कौन लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं, किस जाति के लोग? प्रश्न ये है कि देखिए, आज तक जो है ना जी, करोड़ों की संख्या में हिंदुओं को धर्मांतरित किया गया, ना किसी मीडिया ने दिखाया, ना किसी तथाकथित सेकुलरवादी राजनेता कभी चलाया, ना संसद की कार्यवाही रुकी, ना कुछ हुआ, करोड़ों की संख्या में ये हुए। और
भारत के अंदर अगर धर्मांतरण ना होता तो ना एक मुसलमान होता, ना ही कोई क्रिश्चियन होता। ऐसा कुछ नहीं है। आज ना मोहम्मद अली जिन्ना पैदा होते, ना जुल्फिकार अली भुट्टो होते। त्यागी जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। त्यागी जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। बीजेपी वालों को पता नहीं मोहम्मद अली जिन्ना का भूत क्यों सवार हो जाता है। इन्होंने अपनी अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि हम हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन ये जब मुसलमान हम आदम की औलाद है, हम आदम की औलाद है, दुनिया का सबसे पहले बांग्लादेश बनाया शख्सियत जो आदम अलैहि सलाम है, हम सब उनकी औलाद है। आखिर कोई किसी के धर्म से नहीं आया है। क्यों ऐसा पैदा हुआ? क्योंकि धर्मांतरण इसकी जड़ है। धर्मांतरण पैदा होता है। आज जम्मू कश्मीर की जो समस्या है, नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, अरुणाचल प्रदेश की समस्या है, ये सब जगह धर्मांतरण उसके लिए जिम्मेदार है। बागीश बड़े पैमाने पर ईसाई मिश्रणी ठीक है। इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद, समझने के बाद, एक चीज तो समझ में आती है कि ना तो जो हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं उनका कोई गंभीर प्रयास है, और ना मुस्लिम धर्मांतरण करते हैं उनका, ये सिर्फ तमाशा खड़ा करने की कोशिश है, सिर्फ पोलराइजेशन करने की कोशिश है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के जिन शहरों में ये हो रही है, बहुत सेंसिटिव शहर है, और आने वाले चुनाव के मद्देनजर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मैडम एक बात, इस मामले में अगर जबरदस्ती नहीं की गई होती तो बरसों से धर्मांतरण हो रहे हैं, क्यों इतना हंगामा है? क्यों नहीं हुआ कभी हंगामा? आगरा ही वाले में मामले में क्यों हुआ? अगर जो जबरदस्ती उनको लाया गया है कि भूमि पूजन होना है, आप लोग हमारे साथ आइए। आप वहां घबरा गए? आप वहां थे? मैं बात कर चुका हूं, कल से बात कर चुके हैं। वहां टीवी में पहले दिखाया गया कि हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं, परिवर्तन करते हैं। उसके बाद जब षड्यंत्र के तहत, प्रेशर के तहत बिल्कुल दबाया गया, उन्होंने अपना बयान बदल दिया। दो सवाल, सीधा जवाब। क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आपकी सरकार भेजेगी, क्योंकि उसी आगरा के इर्द गिर्द पूरी बहस हो रही है? और दूसरा सवाल, क्या आप वाकई कानून लाने को लेकर संजीदा है? देखिए अंजना जी, अगर फैक्ट फाइंडिंग टीम सेंटर की तरफ से चली गई तो कल आप डिबेट कर रही होगी फेडरलिज्म पे हमला, तो फेडरलिज्म पे हमला हो जाएगा। गौरव भाटिया जी चिल्लाना शुरू कर देंगे कि ये देखो हमारे घर में किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट घुस गई है, मोदी जी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से लॉ एंड ऑर्डर, बीच में मत बोलिए, स्वाभाविक रूप से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो केंद्र का विषय नहीं है, वो स्टेट का विषय है। तो प्लीज आप अपने समय पर जवाब दीजिएगा। अभी मैं तीन सेंटेंस की क्या आवश्यकता? नहीं नहीं, वो तो आपके मुलायम जी ने जवाब दे दिया, कोई इशू ही नहीं है, मैं समझता हूँ। मैं इतना प्लीज जी, लेट अस हैव अ सिविल डिबेट फॉर गॉड सेक। आप और मैं दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपके समय बीच में नहीं बोल रहा था। गौरव जी आप पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप अपने समय पे बोलिएगा, मुझे अपने समय में बोलने दीजिए। प्लीज बिहेव योरसेल्फ मिस्टर गौरव भाटिया, डोंट इंटरजेक्ट इन माय टाइम, अलाउ मी माय टाइम एंड टॉक इन योर टाइम। मैं भी आप अपने टाइम पे बात करिए। एक तो आप उत्तर प्रदेश की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और यहाँ अनर्गल बोलते हैं अंजना जी एंकर बन के, इनको एक सेकंड गौरव जी प्लीज, पहले गौरव भाटिया की घर वापसी कराइए। हाँ अपने कैबिन में बैठिए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। जब संबित पात्रा गलत टिप्पणी करते हैं रुकिए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे ना सर। पहले अपने कैबिन में वापस जाइए। कोई बोल रहा हो तो बीच में टोकने की आदत नहीं है हमें, आप प्लीज रुक जाए, आपको आपकी बारी आएगी, प्लीज बोल लीजिएगा प्लीज। संबित जी यस, मैं छोटे छोटे तीन बिंदु रखना चाहता हूँ। देखिए राशिद अलवी साहब यहाँ कांग्रेस के बड़े नेता बैठे हैं, उन्होंने जो तीन विषय उठाए, एक तो आरएसएस को लेके उठाया है। मैं राशिद साहब बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, जो लोग छोटे परिवारों में रहते हैं उनको संयुक्त परिवार के विषय में पता नहीं होता है। आप लोग छोटे परिवार में रहे हैं, 10 जनपद उससे बाहर आपने देखा नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से पेड़ क्या होता है, शाखा क्या होती है, इतना बड़ा परिवार कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आएगा। दूसरा, आपने कहा राशिद साहब कि देश की इज्जत की नीलामी हो रही है पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, जो इज्जत ही नहीं है 10 साल में आपने उसे नीलाम कर दिया है, तो अब क्या बचा है जो नीलामी हो जाएगा। तीसरा, आपने कहा कि आपके सब पूर्वज जो है वो बहुत लड़ाई कर रहे थे भारत को स्वतंत्र करने में। मैं हाथ जोड़ के ये पूछ रहा हूं आपसे राशिद साहब, सोनिया जी हम सबकी आदरणीय हैं, उनके पूर्वज मुसोलिनी साहब कौन से युद्ध में, कौन से गांव और कौन से जिले से लड़ रहे थे हिंदुस्तान के लिए? ये बार बार हर डिबेट में आप जो पूर्वजों का धौंस देते हैं, उसके बदले आप चिंता करिए कि गांधी परिवार का भविष्य क्या होगा, जिसका भविष्य पे ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप पूर्वज के विषय में चिंता ना करें। आपने प्रतीकात्मक गांधी परिवार पर हमला जो आप हर बार करते हैं वो कर लिया, अब मेरे सवाल का जवाब देने तक तो पहुंचिए आप। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि देश के सामने मुद्दा ये है कि धर्म परिवर्तन अगर जबरन हो रहा है तो उसे कैसे रोका जाए। संघ के लिए दर्द दिखाते नजर आए वेंकैया नायडू साहब, रास्ता कोई नहीं दिखा सरकार की। रास्ता दिखाया
तीन वर्ड्स में दिखाया एंटी कन्वर्शन बिल। अगर कन्वर्शन हो रहा है जो कि हो रहा है फोर्सफुली कई जगह हो रहा है, तो एंटी कन्वर्शन बिल जिसके लिए कांग्रेस ने भी हामी भरी थी, जिसका स्वरूप छह राज्यों में आज हिंदुस्तान में ऑलरेडी प्रचलित है, एंटी कन्वर्शन बिल लाइए, कोई कन्वर्शन मत होने दीजिए। ठीक है, तो राशिद अल्वी जी ये उपाय है, ये उपाय है, जवाब देना है। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास, प्लीज रुक जाए। तो राशिद अल्वी जी ये उपाय है, देखिए मैं कहूंगा, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई, किसकी बात का जवाब दूं। अरे अभी छह महीने तुम्हारी सरकार को हाईवे नहीं हुए, बड़ा घर बनाने की बात करते हो, नरेंद्र मोदी के सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि हूं कर ले, सारे मंत्रियों का स्टाफ वो अपॉइंट करते हैं, बड़ा घर बनाने की बात करते हो, अरे जो बहस है उसकी बात करो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इनकी बातों का मैं जवाब नहीं देना चाहता। जो लोग 5-5 लाख रुपए देके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं उन्हें मैं इतना कहूंगा, 50 लोगों का या 5,000 लोगों का परिवर्तन कराने से क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? क्या मुसलमान की आबादी कम और हिंदू की आबादी ज्यादा? क्योंकि लव जिहाद के नाम से तो बहुत आपने संख्या बढ़ाई ली है, 10 लाख रुपए दे दिए, कल को इन लोगों को 10 लाख रुपए दे दिए तो ये किसी और मजहब में चले जाएंगे। मैं तो इनकी भी निंदा करता हूँ और जो मजहब तब्दील कर रहे हैं उनकी भी निंदा करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। त्यागी साहब से जल्दी से एक रिएक्शन इस पर, फिर ब्रेक पर जाएंगे। नहीं, मेरा समय किसी और को दे दीजिए। और मुझे अफसोस है कि मैंने अपना बहुमूल्य 1 घंटा चैनल पे बैठ करके खराब किया। कोई उंगली हमारी तरफ नहीं उठी अंजना जी, मैंने पहले ही बोल दिया है कि पार्लियामेंट चले, यही मुलायम सिंह यादव जी चाहते हैं, उन्होंने बयान दिया है और शायद इस मुद्दे को पोलराइज नहीं किया और अपनी सरकार की ताकत पे विश्वास दिखाया है जो कि तुरंत कदम उठा रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा संबित जी से भी और भाजपा के जो भी है, जब भी प्रश्न उनके ऊपर आता है, जब वो सांप्रदायिक बयान देते हैं, वो 4-5-6 घटनाएं पुरानी ले आते हैं और जवाब कभी नहीं देते हैं। और जब केंद्र मंत्री, चाहे पार्लियामेंट्री अफेयर हो चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, उनसे उम्मीद की जाती है, वो ये कहेंगे कि फोर्स कन्वर्जन नहीं होंगे, लेकिन वो आरएसएस जैसे संगठन की वाहवाही करते हैं और कहते हैं हमें गर्व है आरएसएस वही संगठन है जो कहता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो। हिंदू राष्ट्र बना दो का मतलब है संविधान के विरुद्ध जाके आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि संविधान कहता है ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। तो ऐसे संगठन की अगुवाई करना मैं समझता हूं सबसे दुखद है, और मंत्री जब ऐसा करेंगे और जो सत्ता में पार्टी है वो ऐसा करेगी तो बचाव कौन करेगा बाकी लोगों का, ये बड़ा प्रश्न है। और इसका जवाब ना तो मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया था और ना आज वेंकैया नायडू जी ने दिया। आप मुझे ये बताइए कि जिस फोर्स कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, आपकी FIR में कहीं भी फोर्स कन्वर्जन की बात नहीं की। एक तो आप पूरे जनता को, पूरी दुनिया को बरगला रहे हैं और टीवी चैनलों के माध्यम से भी ये चारों तरफ भड़काया जा रहा है कि फोर्स कन्वर्जन था, फोर्स कन्वर्जन था। तो मेरी बात सुनिए पहले, फोर्स कन्वर्जन नहीं था, गलत बात कह रहे हैं, एक तो कन्वर्जन ही नहीं था, दूसरा उसमें कहीं फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दूसरी बात ये बताइए कि फोर्स का इस्तेमाल जहां करना चाहिए, कल आगरा में जिस तरह से मुसलमानों ने प्रदर्शन किया और उनकी बातें करी, भड़काने की कोशिश करी, उसको रोकने के बजाय आज आपने संकरण पर हमला करवा दिया। आप आपकी पुलिस फोर्स संघ कार्यालय के पास चली गई और बड़ी संख्या में संघ कार्यालय को इस तरह से घेर लिया जैसे आतंकवादियों का अड्डा है। इसका क्या मतलब है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप क्या ये चाहते हैं कि ये राष्ट्रवादी संगठनों को दमन करके आप अपना सरकार चला लेंगे? आपने अच्छा एक बात बताइए, FIR किस धारा में हुई और किसने करी है? आपने जो FIR दर्ज की उसमें धारा 153, आप वकील हैं, बड़े वकील हैं, मैं तो वकालत नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि धारा 153 और धारा 415 ये दो धाराओं के अंतर्गत आपने